हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चश्मी किचन अनबॉक्स। तो चलिए हम आज अपनी किचन में बनाते हैं फिश फ्राई की एक खास रेसिपी। फ्रेंड्स, ये खाने में भी बहुत टेस्टी और यमी होता है। ये देखिए, कुछ फिश को मैं फ्राई की हूँ, इनके पीसेज को। तो देखिए कलर एंड टेक्सचर कितना अच्छा आया है इसका। तो चलिए इसे देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, फिश को मैं अच्छे से धोकर साफ कर ली हूँ। तो अब इसमें हम हल्दी और नमक मिलाकर रख देंगे। तब तक मैं मसाले का प्रिपरेशन करूँगी। ऐसा इसलिए कि तब तक हम इसमें हल्दी और नमक से ये थोड़ी देर के लिए ख़राब नहीं होता। और मैं जो मसाले इसमें यूज की हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, यानी कि उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखती हूँ। ये देखिए, मसाले ग्राइंड हो गए हैं और अब मैं इन फिश के साथ इन मसालों को 2-3 टेबल स्पून मिक्स करूँगी अच्छी तरह। और इसके बाद मैं एक कढ़ाई लेती हूँ और कढ़ाई गर्म है, उसमें मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज करूँगी। और कढ़ाई अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें मैं फिश के टुकड़ों को डालूँगी, यानी कि पीसेज को, और 2 मिनट तक मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। आफ्टर 2 मिनट इसे मैं टर्न ओवर करूँगी। तो ये देखिए, एक तरफ से कितने अच्छे से कलर आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस तरह से हम सारे पीसेज को टर्न ओवर कर देंगे। और टर्न ओवर करने के बाद हम 2 मिनट इसे उस तरफ से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, एक बात और, इन सारी पीसेज को हम बहुत ही सावधानी से टर्न ओवर करेंगे। और ये देखिए, हमारा फिश फ्राई हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर और टेक्सचर आया है। तो चलिए अब इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैं एक प्लेट में अच्छे से सर्व कर ली हूँ। तो आई होप सो कि आज की हमारी ये फिश फ्राई की वीडियो आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।